हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। सो गाइस, काफ़ी कमेंट आए थे मुझे कि रेजिस्टेंस मतलब हम कैसे चूज़ करें अपने सर्किट के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे किस तरह से स्टार्ट होते हैं। सो गाइस, जो एक रेजिस्टेंस होता है, तो गाइस ये रेजिस्टेंस जो होते हैं ये बिल्कुल सेम हमारे जैसे हमारे यूट्यूब व्यू हमारे यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, उसी तरह से ये रेजिस्टेंस काम करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमारा ये हो गया 1 ओम, 1 ओम, इसी तरह से 2 ओम, इसी तरह से 3 ओम। उसके बाद गाइस, जिस तरह से जैसे 1000 ओम आ जाता है, तो 1000 ओम का मतलब होता है 1K, यानी कि 1000 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 1K के बराबर होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास 2000 ओम का रेजिस्टेंस होता है तो वो हो जाएगा 2K। उसके बाद अगर 3000 का होता है तो वो हो जाएगा 3K। इस तरह से गाइस जो रेजिस्टेंस होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये धीरे धीरे इस तरह से 47K और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि 50K। उसके बाद इस तरह से ये रेजिस्टेंस बढ़ते रहते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे के में जाते रहते हैं। मतलब कि ओम जब होता है, ओम के बाद हमारा आता है के, उसके बाद आता है मेगा ओम। मेगा ओम में क्या होता है गाइज, जिस तरह से यहाँ पे 1000 ओम में 1K होता है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा 1000K में आ जाएगा हमारा 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम आ जाएगा। यानी कि जैसे हमारे 10000 या सॉरी सॉरी 10 गाइस, यहाँ पे 1000 नहीं, 10000 आएगा, 10000 ओम में हमारा 1 मेगा ओम आएगा। ठीक है गाइस, 10000 ओम में 1 मेगा ओम। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 20000 ओम है तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेगा ओम आ जाएगा। इस तरह से ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं वर्क करते हैं। सो गाइस, इसी तरह से हमारे पास जितने भी हमें जैसा भी रेजिस्टेंस चाहिए उसे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए 47 चाहिए, या फिर 50 चाहिए, या फिर हमें 30 चाहिए, के में चाहिए या ओम में चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास 30 ओम का है, ओ 30K का है, सॉरी गाइस, 30K का हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे 3000 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इसको कैलकुलेट करके इस तरह से भी आप जो है कि यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, या फिर आप उसकी वैल्यू मल्टीमीटर से चेक करके आप उसको लगा सकते हैं। जब भी आप इसको जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1000 ओम है, तो जब आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे नो गाइस, जैसे कि आपके पास 1K का है, 1K का आपका रेजिस्टेंस है, तो जब आप उसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे सो गाइस, वो आपको 1000 वैल्यू दिखाएगा। इसका मतलब कि ये 1000 ओम है। इसी तरह से आप सभी जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए उसका आप मतलब कि आप उसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको पता लग जाएगा वो कितने ओम का है और क्या है, उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, बस आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि हमारे रेजिस्टेंस जो है उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और वो किस तरह से हमारे सारे जो है कि हम कैलकुलेट करके अपने सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आपको पता लग गया होगा कि 1000 ओम में 1K होता है, 2000 ओम में 2K होता है, इसी तरह से जितने भी है 50000 ओम में आपका 50K आ जाएगा। इसी तरह से सारे रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने मल्टीमीटर से टेस्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले, बाय बाय।